अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी। तो इससे पहले हम पार्ट नंबर ए इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर जो है आपके पास 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर बी में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। तो ऊपर स्टेटमेंट को रीड करें तो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो आपको फिगर बनाकर दी गई है इसमें आपने एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है शेडेड रीजन का। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो ये फिगर एक सर्कल है, एक सर्कल बना हुआ है, और इसके अंदर ये आपको फैन शेप एक नजर आ रही है, और ये फैन शेप जो है बेसिकली डिफरेंट सेमी सर्कल्स के साथ मिलकर बनाई गई है, और इसमें कुछ रीजन जो है स्काई ब्लू कलर के साथ शेडेड है। आपने जस्ट इसी रीजन का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। ये जो अंदर सेमी सर्कल्स बने हुए हैं जो कि व्हाइट कलर के साथ है, ये अनशेडेड रीजन है, इनका एरियाज आपको नहीं चाहिए होगा। तो हमने जस्ट शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस कंप्लीट सर्कल का होल फिगर का एरिया निकाल लेंगे। जब हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे उसमें शेडेड भी शामिल हो जाएगा और इन सेमी सर्कल का जो अनशेडेड रीजन है वो भी शामिल हो जाएगा, यानी दोनों एरियाज शामिल हो जाएंगे। उसके बाद अलग से हम इन चारों सेमी सर्कल्स का एरिया निकालकर टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, तो जस्ट हमारे पास शेडेड रीजन का जो है एरिया आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो हम यहां पे निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा कि हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो हम शेडेड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इस कंप्लीट सर्कल का सबसे बड़ा जो ये सर्कल नजर आ रहा है बाहर, जिसकी आउटर बाउंड्री आपको नजर आ रही है सबसे, यही सबसे बड़ा सर्कल है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, और जब आप इस सर्कल का एरिया निकालेंगे इसमें शेडेड भी और अनशेडेड रीजन सब शामिल हो जाएगा। इसकी आउटर बाउंड्री के अंदर आने वाला तमाम रीजन का एक तरह का एरिया आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए हमें तो जस्ट शेडेड का चाहिए, तो हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे इन चार सेमी सर्कल का एरिया। 1, 2, 3, 4, ये चार सेमी सर्कल है, इनका एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। तो ये हमने एक तरह की यहाँ पर एक जो है ना एक एक्सप्रेशन सेट कर ली कि इस तरह हम चीजों को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं। आप जानते हैं कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू 3.142 भी यूज कर सकते हैं, और कैलकुलेटर वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर वाली वैल्यू से बहुत एक्यूरेट आंसर्स आते हैं, 3.142 से उसके बाद आते हैं, 22/7 से भी आ जाते हैं। कभी कभार डेसिमल के बाद कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो अभी हम यहां पर पहले देखते हैं कि रेडियस क्या है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर के अंदर जो आर होता है ये रेडियस होता है। रेडियस का मतलब होता है सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का गैप, उसकी बाउंड्री तक की लेंथ। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर का इस फिगर में जो सर्कल है इसका सेंटर ये बनता है, ये एक तरह का सेंटर है जहां पर ये चारों सेमी सर्कल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप इस सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक का गैप देखें यहां तक, तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रेडियस। तो वो देखें यहां पे लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये तमाम रेडियसेस आपको बताए हुए हैं, तो इसका मतलब रेडियस कितना है 3.5। तो अगर आप एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना चाहते हैं, इस पूरी शेप का, इस पूरी फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा पाई वैसे का वैसे, आर की जगह पर रेडियस जो कि दिया हुआ है सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो रेडियस होता है वो है 3.5, और क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा इसके एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस का साइन। अब आपने 4 सेमी सर्कल्स का एरिया निकालना है, ये सारे के सारे सेमी सर्कल हैं, आप इनको हाफ सर्कल भी बोल रहे हैं आसानी के लिए, समझने के लिए। तो अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो बात यह है कि चारों के चारों सेमी सर्कल एक जैसे ही हैं। अगर आप किसी भी एक का एरिया निकाल लेते हैं तो ये 4 है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 चारों का चारों का एरिया पता चल जाएगा। अब याद रखिएगा कंप्लीट सर्कल हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अगर सेमी सर्कल हो तो एरिया का फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2, हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर हमने सेमी सर्कल को देखना है, तो इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर ओवर 2 का। अब इसमें भी आर रेडियस ही होता है, लेकिन वो सेमी सर्कल का रेडियस
होगा, ये आपने ख्याल रखना है। तो मैं यहां पर पाए तो पहले ही लिख लेता हूं, ये मैंने पाए लिख लिया। अब रेडियस क्या होगा ये आपने समझना है। अब देखें जिस तरह आप इसी इसी चीज को देख लें, जो बड़ा वाला सर्कल था उसका सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता था, लेकिन अगर आप इस सेमी सर्कल के लिहाज से देखें तो ये इसका रेडियस नहीं है, बल्कि इस सेमी सर्कल के लिहाज से इसका क्या बनता है, उसका डायमीटर बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बनता है। क्यों? क्योंकि डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के या सेमी सर्कल के सेंटर से पास होती है और बाउंड्रीज तक जा रही होती है। जिस तरह आप देखिए, अगर ये सेमी सर्कल है, यहां पे भी आपको बनाकर दिखा रहा हूं, ये सेमी सर्कल है और मान लें ये सेमी सर्कल का सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ये आपके पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है डायमीटर। तो आप देखिए यहां पर आपको यही गिवन है, ये बड़े वाले सर्कल के लिहाज से तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस बनता था क्योंकि सेंटर यहां पर है बड़े वाले सर्कल का, लेकिन अगर सेमी सर्कल के लिहाज से देखें तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो डायमीटर बनती है। तो डायमीटर को जब आपने रेडियस बनाना हो तो आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं इधर अलग से कि जो डायमीटर है हमारे पास ऑफ 4 स्मॉल स्मॉल कह लें या जस्ट सेमी सर्कल कह लें, एक ही बात है, 4 सेमी सर्कल्स। तो जो चारों सेमी सर्कल्स हैं एक जैसे ही, इन सबका डायमीटर आप देखें 3.5 है, वो कितना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू डी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस को बनाने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेडियस होगा ऑफ 4, इन चारों सेमी सर्कल का एक जैसा होगा इसलिए मैं यहाँ पर मिलाकर लिख रहा हूँ, आप इनको एक दफा एक करके लिख सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। तो रेडियस किस तरह होता है, डायमीटर को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रेडियस होगा किन का, इन स्मॉल सेमी सर्कल्स का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3.5 को 2 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास अराउंड आता है 1.75 और सेंटीमीटर, तो ये मेरे इसका रेडियस ही पता चल गया। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पे जो 4 सेमी सर्कल्स का एरिया होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर ओवर 2, पाई वैसे का वैसे ही, रेडियस अभी मैंने निकाला है 1.75, तो आप यहां पे लिखेंगे 1.75 इसके ऊपर स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहां तक तो आपने कर लिया। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला था ये आपको एक सेमी सर्कल का एरिया बताता है, आपके पास इस तरह के कितने, 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4, तो आपने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसलिए आप यहां पर एक 4 लिख देंगे जो कि इससे मल्टीप्लाई और होगा इस पूरी चीज के साथ। इसका मतलब यह है कि आपने एक सेमी सर्कल का एरिया निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास चारों के एरिया आ गए। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है, तो अब यहां पर अभी मैं जो ये आपके पास पाई है इसकी वैल्यू को पुट नहीं कर रहा, अभी हम बाकी वैल्यूज को जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3.5 का अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो ये आता है 12.25, 3.5 के स्क्वायर ओपन करने का मतलब है 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आएगा 12.25, आगे पाई वैसे का वैसे रहने दे। यहां पे तो बहुत आसान है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, यहां पे बच जाएगा 2, 7 बचेगा पाई और यहां पे बच जाएगा 1.75 का ऊपर होल स्क्वायर। अब यहां पर ये 12.25 को आप वैसे ही लिखें, पाई को भी वैसे ही लिखें। अब पहले 1.75 का आपने स्क्वायर करना है, तब वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अगर आप 1.75 का स्क्वायर करें तो ये आपके पास वैल्यू आती है 2 पाई वैसे ही, ये 1.75 का स्क्वायर करके वैल्यू आएगी 3.0625, और अब आप आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 12.25 पाई माइनस, अब आपने इस वाली वैल्यू को जो कि है 3.0625 इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 2 से, क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6.125 और ये 7 पाए वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों में पाए मेंशनड है, ये दोनों एक तरह की लैगटम्स बन गई, एक सेमी इसमें पाए इधर भी है, सेमी पाए इसमें है, तो आप इधर इन कांस्टेंट्स को सबट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 12.25 में से सबट्रैक्ट करवा देंगे 6.125, तो आपके पास आ जाएगा अराउंड अगेन 6.125, यही आपके पास आ जाएगा, और पाई साथ आप लिख देंगे वैसे का वैसे ही। अब इससे आगे आपने क्या करना है, आपने पाई की वैल्यू को जो है पुट करवा देना है। मैं आपको पाई की वैल्यू बता चुका हूं, आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 यूज कर लूँ, तो आप देखें ये पाई की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3.142, तो आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपके सामने यहां पर करता हूं, आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो मैं यहां पर आपको कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं। तो इसको अगर आप वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 3.142 से, तो आप देखें आपका आंसर आता है 19.24475। तो मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर्स को लिखना होता है, तो मैं 19.24 तक लिख रहा हूं इसको, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 19.24
2, 4, ठीक है। और ये एरिया है आपके पास, तो ऊपर सारी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना हो, तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के जो नेक्स्ट वाला डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो प्रीवियस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो जस्ट आप लिख देंगे 19.2 तक, तो आप लिखेंगे 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने इस आंसर को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिख दिया। अब आप कैलकुलेटर में इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये यहाँ पे देख सकते हैं 6.125 पाई लिखा हुआ है, तो आप यूं भी लिख सकते थे 6.125, शिफ्ट का बटन दबाएं, ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर एक्स वाला बटन दबाएं, पाई आ जाएगा, इक्वल टू प्रेस करें, ये चीज आएगी, और यहाँ पे एस डी का बटन दबा दें, तो आप देखें तब भी 19.24 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो यही हमारा आपके पास आंसर बनता है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें जो है समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ।